छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करो, कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट करो। हम जहाँ पे इसलिए आए हैं कि हम पहले अपने डीडीओ के पास गए थे, वहाँ पे हमें हरास कर दिया, जो कोर्ट का ऑर्डर लेके आए कि स्टे ऑर्डर हुआ है। वो कहते हैं यहाँ पे स्टे लिखा ही नहीं, जबकि स्टे लिखा हुआ है। वो मान ही नहीं रहे हैं कि स्टे हुआ है, कि वो कह रहे जाओ आप, हम तो इसमें रिस्पोंडेंट नहीं है। लेकिन उन्होंने फिर हमने कहा कि हमें कुछ लिख के दो। पहले तो वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, कह रहे थे कि ज्वाइन ही नहीं करवाना है हमें। जब हमने कहा नहीं, हम आप कुछ लिख के दो, फिर उन्होंने लिख के दिया कि चलो आप सीओ के पास जाओ। कि अब हम सीओ के पास 3 दिन हुए आते हुए, तो सीओ रोज़ बोलते हैं, सीओ सर रोज़ बोलते हैं कि हाँ आज हो जाएगा ऑर्डर, आज कर देंगे, हम आपको ज्वाइन करवा लेंगे। लेकिन आज हम फिर से आए हैं, लेकिन उन्होंने आज भी जहाँ कुछ नहीं किया है। तो अब हमें बताएं कि हमें हरास हो रहे हैं इस वजह से कि अब हम क्या करें। कई कई सारे टीचर्स हैं जो जिन्होंने तो ज्वाइन आगे कर लिया हुआ, और कई जो हैं जो अभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि सीओ सर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिले, बट एज सच अभी तक हमें कोई ऐसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम मतलब लगातार अपने डीडीओज के पास भी जा रहे हैं, और वो कोर्ट के ऑर्डर्स को मान ही नहीं रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो है ये मतलब कोई कह रहा क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है, क्लियर कट लेके है ये या कुछ है। अब बहुत सारे ZDOs ने करा भी है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मतलब कुछ ZDOs इतना वो डेयर रखते हैं कि वो करा रहे हैं, और क्यों बाकी वाले नहीं करवा रहे हैं। तो इसी चीज़ को लेके कोर्ट के ऑर्डर्स को मतलब मानना, जो उसको मतलब वो करना, तो हमें खुद नहीं समझ आ रहा कि अब नेक्स्ट जो है फिर हम लोगों का यही है कि कोर्ट के पास दोबारा जाएं या प्रोटेस्ट करें, या फिर अगेंस्ट उनके जो भी कंटेम्प्ट वगैरह है वो उसके लिए करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, ये जो रिपेट्रिशन का ऑर्डर हुआ है, ये पहले ही इतना बेयास्ड हुआ है, वन साइडेड हुआ है। ये सिर्फ जम्मू डिवीज़न के लिए हुआ है, जबकि ये दोनों डिवीज़न के लिए होना चाहिए था, लेकिन जम्मू डिवीज़न के टीचर्स को सफ़र करने के लिए उन्होंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। सेकेंडली, जब कई टीचर्स तो ज्वाइन कर चुके और कई रह गए, जो रह गए हैं उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, क्योंकि ये अनजस्टिफाइड ऑर्डर था, अनकॉल्ड, ये कह सकते हैं बेयास्ड ऑर्डर था, इसके कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था। इसके तहत ये कोर्ट में सारे गए और कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया और उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अब जब ये DDO के पास जा रहे हैं, DDO कह रहे हैं हम कंप्लाई नहीं करते। क्या हम ये पूछना चाहते हैं, क्या ये DDO जो ZDO हैं, ये आर दे अबव द लॉ, आर दे अबव द जुडिशरी, आर दे अबव द जजेस? यहाँ पे कुछ ऐसे ZDOs हैं जिन्होंने एक मिनट नहीं लगाया वो ऑर्डर को कंप्लाइंस करने में। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि डबल यार्ड स्टिक्स क्यों हैं, जब एक तरफ आप ज्वाइन करवा रहे हो कुछ टीचरों को, दूसरों को आप हरास कर रहे हो। दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। हम ये कहते हैं कि आज तो हम CEO साहब के पास आए हैं, वो आने वाले हैं, हमें पता लगा, हम उनसे भी पूछेंगे कि कल उन सभी DDOs को यहाँ पे बुलाओ, उनको बोलो कि अगर आपने ये इनको नहीं ज्वाइन करना तो हमें लिख के दे दो, विल गो टू द कोर्ट अगेन एंड फाइल द कंटेम्प्ट इनके ऊपर, और पर्सनल इनके ऊपर कंटेम्प्ट लगाएंगे, ताकि जब पूरी उम्र ये कोर्ट में जाएंगे भुगतेंगे केस। क्यों हरास कर रहे हैं, क्यों अपने आप को इतना सुपीरियर समझ रहे हैं इन टीचरों का? आर दे क्रिमिनल्स? दे आर टीचर्स, वी आर परफॉर्मिंग अवर ड्यूटीज डेडिकेटली। और ये इतना परफॉर्म करते हैं, वो टाइम ये भूल गए जब RITs ने कहाँ कहाँ पे काम किया, कितने टफ टाइम में काम किया, 1500 रुपये पे ये काम करते थे, तब नहीं इनको याद आया। जब अब गवर्नमेंट ने इनका ऑर्डर किया, इन्होंने घर बैठे तो अपना ऑर्डर नहीं करवाया, वो 8-8 साल वहाँ पे इनको जम्मू में बैठ के हो गए। अब जो नया आएगा रात को सोता है, सुबह उठ के ऑर्डर कर देता है, जब कश्मीर डिवीज़न वाले उसको दाड़ा मारते हैं तो वो कश्मीर डिवीज़न का नाम निकाल देता है, यूनियन टेरेटरी एक है। तो क्यों ये डबल यार्ड स्टिक्स है, हमारे जम्मू के टीचर्स क्यों सफ़र करें? यहाँ तो ये ऑर्डर क्वेश्चन करो, यहाँ ये जो कंप्लाइंस ऑर्डर इसको करो। हमारी यही CEO साहब से भी रिक्वेस्ट है कि इन DDOs को बुला के इंस्ट्रक्ट किया जाए, और डायरेक्टर साहब से भी यही बोलते हैं कि इनको इंस्ट्रक्ट किया जाए और क्लियर कट गाइडलाइंस इशू किए जाए। आप क्यों नहीं भाई इनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट को, हॉनरेबल चीफ जस्टिस CAT ने ऑर्डर दिया हुआ है उसको नहीं ये मान रहे, तो किसको मानेंगे? यही जो टीचर्स है, 25 जुलाई से पहले बड़ा अच्छा उनके साथ बिहेवियर था, जब 25 जुलाई के बाद आपने रिलीव किया तो अब आप कहते हो कि हमने इनको ज्वाइन नहीं करना। क्यों? एक कंप्लाइंस ऑर्डर गवर्नमेंट दे रही है आपको, एक जब ये सफरर थे, ये गए वहाँ पे कोर्ट के पास, जब आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करोगे टीचर कहाँ पे जाएगा, वो कोर्ट में ही जाएगा ना। जब कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया तो आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? सर, मैं जोगिंदर डिगरा, वाइस प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन, और हमारे साथ में ABRSM के जसमीत सिंह मदान जी और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। आज जितने भी सारे हम टीचर लोग यहाँ पे आए हैं, आज हम ये एक भेदभाव की
राजनीति या नीति कहिए उसको ख़त्म करने के लिए आए हैं। आप इंक्वायरी करवा लीजिए कि जो स्टे ऑर्डर टीचरों ने लिया हुआ है कितने उन्होंने ज्वाइन किए हैं और कितनों ने नहीं किए हैं। बहुत सारे टीचर जो हैं, मोर देन 50% टीचर जो हैं इस स्टे ऑर्डर के तहत ज्वाइन कर गए हैं डिस्ट्रिक्ट जम्मू में, और जेडीओ सतवारी, जेडीओ गांधीनगर, और बहुत सारे जो हैं हेडमास्टर प्रिंसिपल्स जो है ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। ये पार्शलिटी नहीं तो क्या है? क्या हमारा देश एक नहीं है? हमारा संविधान एक नहीं है? ये सफरर हैं ये बेचारे। अगर कोई अपनी प्ली लेके कोर्ट में गए हैं, कोर्ट ने इनको रिलीफ दिया है, तो उस रिलीफ को मानने से डीडीओ कैसे इनकार कर सकते हैं? मेरा ये मानना है कि अगर उनको ज्वाइन करवाया है तो फौरी तौर पे इनको भी ज्वाइन करवाना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक ही लॉ है, जो जुडिशरी है वो सबके लिए बराबर है। तो फिर आधों को बेनिफिट देना और आधों को नहीं देना, इसमें मुझे लग रहा है दाल में कुछ काला है, और उस दाल को जो दाल में कुछ काला है उसको साफ साफ बाहर निकालना चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं अपने CO साहब जम्मू, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं, इमीडिएट बॉस हैं पूरी डिस्ट्रिक्ट के, मैं चाहता हूं कि वो एक डायरेक्शन पास करें कि ऑनरेबल कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, जो स्टे ऑर्डर है, उसको सारे जो है DDO जो हैं वो इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि इन्हीं के भाई बहन जो हैं वो आधों ने ज्वाइन कर लिया है और इनको बाहर कर लिया है। ये एक सौतेला व्यवहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो नहीं चलेगा। अगर इन्होंने ये कोई डायरेक्शन नहीं पास की तो हम सारे टीचर्स मिलके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और इसी ऑफिस में आंदोलन करेंगे, ताकि क्योंकि हमारे बॉस जो हैं हमारे CO साहब हैं, और CO साहब जो हैं अपने अपने DDOs को डायरेक्शन दें, ताकि आगे का जो कार्रवाई है, ताकि ये लोग भी स्कूल जा सकें। आईलाइन की हर्बल तुलसी, सेहत की घुट्टी, रोगों से छुट्टी।